नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। इंदौर के मल्हारगंज फतेहपुर धर्मशाला में साई बाबा का अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम से शानदार प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ। साई ट्रेवल्स खरनाल परिवार की सानवी मान्या पावी की निशा खरवाल महिका दबडे सिद्धि मोहित की शानदार प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। वहीं मधुर मधुर शानदार भजनों की प्रस्तुति पर महिलाएं भक्ति के रंग में डूब कर देर रात तक नाचती रही। इस अवसर पर साईं बाबा का शानदार दरबार सजाया गया और उन्हें 56 भोग लगाकर भक्तों को महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन साईं ट्रेवल्स खारवाल परिवार इंदौर की ओर से किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने साईं प्रसादी का आनंद लिया। खारवाल परिवार की ओर से हर वर्ष साईं बाबा कार्यक्रम उन परिवार द्वारा किया जाता है। आज यहाँ साईं बाबा का आपने अन्नकूट रखा है, तो ये आप कब से काम कर रहे हैं? ये अन्नकूट लगभग 11 सालों में हमको आयोजित करते करते हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री किशोर खरनाल जी इसका आयोजन करते थे। 3 वर्ष पहले उनकी देहांत हो गया था, उसके बाद वापस से कोविड की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे। तो वापस से मेरा ब्रदर रवि खरनाल साईं सपा ट्रेवल से संचालित करता है और मैं डॉक्टर रितेश खरनाल जैन धर्मंत्री आयोजन में काम करता हूँ। वापस से हमने इसको जो हमारे फादर ने जो शुरुआत की उसको वापस आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रेरणा आपको बाबा की सेवा करने की कैसे मिली? और आप इसके अलावा क्या क्या काम करते हैं बाबा के लिए? इसके लिए इसके अलावा बाबा की क्या क्या सेवा करते हैं आप? हर गुरुवार को कृष्ण का वितरण होता है करीबन 200-300 गरीब व्यक्तियों के अंदर। साईं बाबा छोटा गणपति मंदिर के पास साईं बाबा मंदिर बनवा रखा है। आपका परिचय जान सकता हूँ? डॉक्टर रितेश खरनाल धनवंतरी आयुर्वेद चिकित्सालय। ठीक, धन्यवाद।